फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल संपूर्ण टेक्नोलॉजी ज्ञान चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि सभी सरकारी नौकरियों के ऑनलाइन फॉर्म में हो या किसी भी एडमिशन के ऑनलाइन फॉर्म में हो, सभी में फ़ोटो की साइज 10 के बी, 20 के बी, 50 के बी, 100 के बी और कभी इससे ज़्यादा या कम साइज़ की फ़ोटो को अपलोड करने की क्राइटेरिया रखी जाती है। ऐसे में दोस्तों, हम लोग फ़ोटो की साइज़ कम या ज़्यादा करने के लिए किसी ऐप या लैपटॉप या कंप्यूटर का सहारा लेते हैं, लेकिन इसमें भी काफ़ी समय लग जाता है। और अगर साइज़ कम या ज़्यादा भी हो जाता है तो कभी पिक्सल कम और कभी फ़ोटो क्लियर नहीं आती है। ऐसे में दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से ऐसे तरीके के बारे में डिस्कस करूँगा जिससे आप केवल 2 मिनट में न सिर्फ फ़ोटो की साइज़ कम या ज़्यादा कर पाएंगे, बल्कि आप फ़ोटो के पिक्सल को भी कम या ज़्यादा कर पाएंगे, वो भी बिना किसी ऐप के और बिना क्वालिटी कम किए। सो फ्रेंड्स, इसे जानने के लिए आप इस वीडियो को अंत जरूर देखिएगा और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में किसी भी ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल, मैं क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ। अब इसके सर्च बार पर रिड्यूस इमेज साइज लिख करके सर्च कर देना है। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपके सामने जो पहला रिजल्ट आएगा उस पर क्लिक कर देना है। अब आपको जिस भी इमेज के साइज को कम या ज़्यादा करना है उस इमेज को सेलेक्ट कर लेना है। दोस्तों, जैसा कि मैंने इस इमेज को सेलेक्ट किया है जो कि 442 KB का है, अब इसकी साइज़ को कम करते हैं। दोस्तों, कम करने के लिए आपको इस पर रिसाइज वाले पर क्लिक कर देना है। दोस्तों, जैसे ही रिसाइज वाले पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं इसकी साइज़ अब 75 KB हो गई है, जो कि पहले 442 थी, अब ये 75 KB हो गई। दोस्तों, इस साइज़ को और कम करने के लिए आपको इस पर ये जहाँ पर क्वालिटी लिखा है दोस्तों, इस पर और इसे और कम कर देना है। दोस्तों, इसे कम करने से आपकी फ़ोटो बिल्कुल क्लियर दिखेगी। फ़ोटो की क्वालिटी भले ही कम हो जाएगी, लेकिन आपकी फ़ोटो बिल्कुल क्लियर दिखेगी। दोस्तों, मैं आपको करके दिखाता हूँ। दोस्तों, इसे मैं 80 कर देता हूँ। अब इसे मैं रिसाइज पर क्लिक कर देता हूँ। दोस्तों, आप देख सकते हैं जो कि अभी 75 KB हो गया था, अब ये 47 हो गया है। इसे मैं डाउनलोड करके इसकी क्वालिटी को आपको दिखाता हूँ। दोस्तों, आप देख सकते हैं इसकी क्वालिटी में कोई भी कमी नहीं आई है, फ़ोटो बिल्कुल वैसे ही है। सो फ्रेंड्स, अब मैं आप लोगों को पिक्सल कम करना बताता हूँ। दोस्तों, आपको पिक्सल कम करने के लिए जितना भी आपको करना है पिक्सल, आपको इसके अनलॉक वाले पर क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ से परसेंटेज वाले पर क्लिक करना है और यहाँ से पिक्सल को सेलेक्ट कर लेना है। अब आपको जितना मर्ज़ी से पिक्सल को सेलेक्ट करना है उसको लिख लेना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं 160 और इसको 140 कर देता हूँ। यहाँ पर लिखने के बाद आपको इसी साइज वाले पर क्लिक कर देना है। अब इससे इमेज को डाउनलोड करके देखता हूँ कि इसकी पिक्सल कम हुई है या नहीं। दोस्तों, आप देख सकते हैं इसकी पिक्सल मैंने 160x140 किया था, जो कि आप देख सकते हैं ये हो गया है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।